हरी से होंगे। मैं अभी सुबह सुबह उठाऊँ, अभी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, आज कुर्बानी वगैरह करनी है, तो अभी नहाने के लिए जाता हूँ, उसके बाद फिर। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा बेयाद बन कर ख्याल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत ठीक है होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आज बकरा ईद का दिन है तो आज हमारा जानवर भी कटेगा और मैं भी नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ। और नमाज़ पढ़ के आ गए हैं हम लोग, और जो कहते हैं अब बस नाश्ता करना है, उसके बाद जो जानवर वगैरह कटना है। और आज के लोग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा काम करनी है। आज हमने एक वीडियो भी शूट करनी है अपने चैनल रेडियो स्मैश के लिए, और अपना ब्लॉग भी शूट करना है। देखिए अब तो पहले ब्लॉग डालने लगे, एक बर्थडे का ब्लॉग डाले ये भी, और आगे भी ब्लॉग ज़्यादा रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कैसे कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। देखते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। थोड़ी अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। धूप नहीं निकली हुई, अक्सर बकरा ईद पे होता है कि धूप निकली हुई थी तो आज धूप वगैरह नहीं निकली हुई, तो आज बहुत मजा। दोस्तों भी आपने गाय को कटते हुए देखा होगा, और हम लोगों ने गाय वगैरह अपनी काट ली है और अब इसका गोश्त वगैरह गोश्त बन रहा है, तो वो बनने में टाइम है। तभी मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि बिकॉज अभी लोग आ रहे जा रहे हैं ना, तो वैसे भी बुरा लग रहा है इतना कपड़ों में, तो जब बनेगा उसके बाद। और अभी बहुत सारी कहते हैं ब्लॉग में, और रात में जो हम बारबेक्यू भी करेंगे अपनी, ये तो बहुत मज़ा आने वाला। मौसम ठीक हो गया, धूप निकल के आ गई, वरना तो बारिश वाला मौसम आ रहा था अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बकरे वगैरह मौसम इतना। अभी रात का इंतजार है, रात में बारबेक्यू होगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आज अभी अभी वीडियो भी शूट करूँगी, बस जो है ना क्या कहते हैं तो थोड़ी देर तक करते हैं वीडियो शूट। दोस्तों हमारी मम्मा हमारा कुकिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। की लग रही है, अभी हम आप खाएंगे भी कलेजी। तो रात हो चुकी है और हम लोग छत पे आ चुके हैं, हमने यहाँ पे सारे टेंट बारबेक्यू करने के लिए हम आ गए ऊपर, और जो है छत पे हम आ चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आग वगैरह अंगीठी के अंदर लगा ली है और कोयले वगैरह, और अभी बस वो करनी है सेटअप। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह का किया है। इधर चादर यहाँ पे हम लोगों ने दो चादरें लगा दी ये, और यहाँ पे हम लोग जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने ऐसे बोल दिया, और यहाँ पे एक दो बल्ब लगा दिए रोशनी वगैरह का, और अभी और भी चीज़ें लेके आनी है बैठने वगैरह की। तो अभी तो हम पहले आग लगा रहे हैं मच्छरों को भगाने के लिए, ये हमने ये रखा है। इसके ऊपर रख दी है और वो अब जो है कहते हैं पक रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है, और बारबेक्यू किस तरह का बना है और हम उसको खा के भी दिखाएंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो चले
in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She